हर साल घूमते थे। अब हमारे शोहर नहीं है तो बच्चे को दुख हो रहे, तो हमें भी दुख हो रही थी। जब हाँ आज हमारे शोहर रहते तो कितना खुश रहते बच्चे लोग। आज मेरे बच्चे लोग तरस रहे पापा के लिए, तो पापा बोलते ये बच्चा नहीं भूलता, छोटा वाला बोलते मेरे पापा बाहर में है, आएंगे हम लोग को घुमाने ले जाएंगे। अब बोले हाँ बेटा आएंगे, तो बच्चा बोलेगा मेरा माँ तो बात करवाती थी पापा से, अब नहीं है तो नहीं है ना। बोलते हैं हाँ पापा का मोबाइल नहीं है ना बेटा, कैसे बात करेंगे। बच्चा चुप हो जाता है। हाँ तो पापा को तुम खरीद के देना मोबाइल। हम बोले मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो हम कमाएंगे ना मम्मी। हम बोले तुमको बड़ा होने में टाइम लगेगा बेटा, तुम पढ़ेगा तब ना, तो मेरा नाम लिखा दो स्कूल में। हमने नाम लिखाएंगे, पैसा होगा तब ना नाम लिखाएंगे। हम चाहते हैं कि इनके साथ जैसा हो कि सभी वैसे ही सज़ा मिले, और ये उम्र कैद का सज़ा नहीं, सीधा फांसी का सज़ा होना चाहिए। हम जैसा रोज़ रोज़ मर मर के जी रहे हैं, लोगों को भी तो समझ में आएगी हम लोग साथ कैसा लग रहा है, हमारा ऊपर क्या बीत रहा है, लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी सज़ा मिले, घर भी चलाएंगे, अब बच्चे लोग कोई पढ़ाएंगे कैसे करके होगा, उसीलिए खामोश खा जाते हैं। बच्चा डेली रोता है स्कूल के लिए, हम स्कूल हम भी जाएंगे अपीलो का साथ, कहाँ से होगा इतना पैसा, कहाँ से आएगा जब बच्चे को नाम लिखाएंगे। शोकी मेरा भाई घर से 4 बजे भोर को यहाँ से निकला था, वो शोभापुर जा रहे बोल के अपने दोस्तों लोगों के साथ गए हुए थे। दोस्त के साथ गए थे कि शेख नईम, सिराज खान उफ सज्जू और सज्जाद और शेख नईम, मतलब चारों दोस्त इन लोग गए हुए थे शोभापुर में। घर से बता के गए हुए थे कि उनके भाई के घर, साड़ू भाई के घर में जाके रुकेंगे, नाश्ता उस्ता करेंगे और उधर से हम लोग बाज़ार के लिए निकलेंगे। तो जो शोभापुर पहुँचे तो शोभापुर में अफवाह के कारण, मतलब बच्चा चोर के अफवाह से लोग को मार दिया गया। मैं अजान के लिए सुबह उठे थे, जब कह रहे तो मैं खड़ा होकर के देखा जो भाई कौन है ये गाड़ी, तो देखे जो उसमें से एक हमारा साड़ू भाई थे, बाकी तीनों मेरे परिचित के थे, हल्दीपोखर के थे, पहचान के एक फुलपाल के थे। तो देखा कि लोग गाड़ी का कांच टूटा हुआ है, मैंने पूछा ये गाड़ी का कांच क्यों टूटा है, बोले नहीं डांडू गांव में पथराव हुआ है, 200-300 लोग का भीड़ था रोड में, उन लोग ने पथराव किया, उन लोग गाड़ी रोक रहा था, हम लोग रोके नहीं, भगाते हुए हम लोग शोभापुर आ गए। शोभापुर से 1 किलोमीटर पीछे है डांडू गांव। हम बोले ठीक है क्या बात किया है, बोलते नहीं उन लोग कुछ रोको रोको कर रहा था तो हम लोग ने नहीं रोका, कहे कि सबका हाथ में औजार था, डंडा था, तरवाल था, रॉड था, पत्थर था, फिर भी हम लोग को पथराव हुआ है, इन लोग को जख्मी भी हो गया था इन लोग। तो मैंने उन लोग को बोला ठीक है आप लोग आराम कीजिए, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। मैं मस्जिद की ओर गए, अजान दिए, करीब 10 मिनट के बाद नमाज पढ़ करके मैं बाहर आया, तब तक देख रहे 50 से 100 आदमी का एक झुंड आया। तो हम लोग ने पूछा भाई ये गाड़ी में 4 व्यक्ति आए हैं ये कहाँ गए हैं, हम लोग को क्या बात है, बोलते नहीं लोग बच्चा चोर हैं। मैंने बोला नहीं एक मेरा साड़ू भाई है, बाकी 3 मेरे दोस्त हैं। मैंने जब बोला कोई बच्चा चोरी नहीं है, बच्चा चोर नहीं है, यहाँ कोई ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा साड़ू भाई है, मुझे बोला गया कि ये इन लोग जो है कि गौ तस्करी करता है, इन लोग मीट का कारोबार करता है, इसलिए इन लोग को मारेंगे हम लोग। बोलते ठीक है हम लोग थोड़ा देर के बाद आएंगे, तो लोग चले गए। हमारे भाई डीजल मैकेनिक थे, दुबई में जो रहते थे, दुबई में डीजल मैकेनिक का काम करते थे, और यहाँ भी हाता में भी उसका ग्रेस था पहले, जो पुराना गाड़ी आता ना जो कवाड़ी का काम करता है, वो कवाड़ी का काम करते थे, इस मतलब गाड़ी लेके थोड़ा सा टचअप उचअप करके अच्छे से पेंट उंट करके फिर वो बेचते थे। उसके बाद फिर उसका दोस्त के साथ उसी दिन वो पशु व्यापारी के लिए गए थे, मतलब इन लोग पशु व्यापारी नहीं थे, पहली बार गए। हम घर के अंदर आए, घर के अंदर आया आ करके मैंने उन लोग से बात भी नहीं हो पाया था कि पश्चिम की ओर से आवाज़ आने लगा खूब जोर जोर से। तो फिर मैं रोड में आया तो करीब वहाँ पर 300-400 का भीड़ पश्चिम की तरफ से आ रहे हैं। तो उन लोग को देखने के बाद थोड़ा मैं भयभीत हुआ, हम लोग बात क्या है आखिर इस तरह से, अभी 50 से 100 आदमी लौट के गया और अभी 200-300 आदमी का झुंड आ रहा है, फिर पूरब का और देख रहे जो उधर से भी 200-300 आदमी का भीड़ आ रहा है। तो मैंने वहीं पर हमारा लोकल राजनगर थाना प्रभारी को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला ठीक है हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं।
थाना प्रभारी आया तब तक भीड़ जम चुका था, 5-7 हज़ार का भीड़ तब तक हो चुका था। फिर उसके बाद हमारे घर के ऊपर छप्पर में चढ़ करके पूरे छप्पर को तोड़ा गया है, और जो भी घर का जितने भी सामान बर्तन वगैरह जो भी था खाना पीना सबको फेंका गया, पूरा घर को तोड़ ताड़ करके। फिर उसके बाद मेरा ऊपर दबाव बनाया जो लोग को निकालो, मैंने बोला नहीं निकालूँगा, मैं क्यों निकालूँ इन लोग को। तब तक थाना प्रभारी आ करके मुझे मेरा सामने आया, बोला इन चारों है कहाँ, बोले मेरे घर पर है। बोला ठीक है उन लोग को निकालना मत, मैं इन लोग को समझाता हूँ। उसके बाद जो है कि थाना प्रभारी ने काफ़ी प्रयास किया उन लोग को, 6 सिपाही का साथ आए थे जिसमें से एक सिपाही को मार के बेहोश कर दिया गया और बाकी थाना प्रभारी के ऊपर पेट्रोल डाल दिया गया। और जब उन लोग तेल छिड़का उन लोग के ऊपर तब तक थाना प्रभारी वो एरिया छोड़ करके वो पीछे की ओर जाने लगा तो उस वक्त मेरा साथ भी मारपीट हुआ, मुझे भी डंडा से मारा गया और मुझे बाड़ी की ओर, मेरा घर से बाड़ी की ओर हमको घसीट करके ले जाने लगा उन लोग। फिर वहाँ से उन लोग को समझाए जो भाई हमको मार के क्या मिलेगा आप लोग को, वो लोग मेरा घर में नहीं है, आप लोग पूरा घर तोड़ दिए, जो भी तोड़ दिए सामान उमान भी सारा तोड़ दिए, फिर हमको क्यों मारा जा रहा है। बोलता नहीं तुम छुपा के रखे हो, ये घर में छुपाया, ये घर का चाबी दो। मैं बोला ये घर में मेरा कुछ भी नहीं है और आप लोग क्यों, बोलता नहीं दोगे तो जला देंगे। फिर घर के ऊपर पेट्रोल छिड़का गया और जिस वक्त पेट्रोल छिड़का गया तो पीछे का दरवाज़ा से उन लोग निकल गए मेरा घर से। जब इन चारों पीछे से दरवाज़ा से निकला तो तीन तो पहाड़ी की ओर भागने में कामयाब हो गया था, एक आदमी को दौड़ा के लोग पकड़ लिया और पकड़ करके सोबाईपुर में मार दिया गया उसको। सरायकेला में जो घटना घटी थी उसमें 1.5 साल के अंदर में बहुत सारे केस हुए थे, उसमें से एक केस में कन्विक्शन सिक्योर किया। हम लोगों ने पिछले वर्ष जब ये घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ और जब हम लोगों ने इसकी जांच की, अनुसंधान की, तो यह बात भी हम लोगों को पता चला कि गांव देहात में शाम के समय लोग गर्मियों में जब खेतीबाड़ी जब ख़त्म हो जाती है तो लोग शाम में बैठते हैं चौपाल में अपनी बातचीत करते हैं और तरह तरह की कहानियाँ होती हैं। उसमें वर्षों से एक अफवाह रहती है कि भाई बच्चों को बचाओ, बच्चा चोर घूमता है, इस तरह की बातें लोग करते थे। तो जब तक ये गांव के अंदर ये बातें रह जाती थी तो इसका बाहर कोई असर पड़ता नहीं था, तो इस न तो इसकी जानकारी होती थी और ना इसको कभी कोई संज्ञान में इसको लेता था। लेकिन पिछले वर्ष इन सब रूमर्स को व्हाट्सएप के जरिए प्रसारित किया गया। एक व्यक्ति जो इस तरह के रूमर को प्रसारित करने का दोषी था उसको भी पकड़ा गया, उसको जेल भेजा गया, गिरफ्तार किया गया। उससे भी लोगों को समझ में यह आया कि हम अगर कोई मैसेज हम रिसीव करके भी फॉरवर्ड करते हैं या अपने से क्रिएट करते हैं तो पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वह भी एक कारण रहा कि इस तरह की बातें इस बार नहीं हुई हैं। जो पहले शेख नईम को मारा गया शोभापुर गांव में और जो शेख हलीम जो है उनको मारा गया डांडू पहाड़ बोल के गांव है, वहीं पर मार के फेंक दिया गया था। उसको एक दिन बाद उसका लाश मिला, जो कि CSF 18/5/2017 का ये घटना है। उसको 19 तारीख को उसका लाश मिला था, वो भी पहाड़ में एक मतलब घाई में फेंका हुआ था। एक दिन बाद हम लोग को, वो भी बहुत प्रशासन को हम लोग दबाव किए तब हम लोग को लाश मिला, नहीं तो लाश भी नहीं मिलता हम लोग को। और बड़ी बेरहमी से मारा गया था, ऐसा बेरहमी से कि मतलब क्या बोलते हैं, जानवर को भी वैसा नहीं मारता है जैसे इन लोगों को मारा। उन लोग को तो उम्र कैद का सजा होना चाहिए, 4 साल क्या है, जब हम इतना साल तड़पेंगे उनके बिना हमारे औलाद तड़पेंगे, हर वक्त बच्चे याद कर रहे पापा को, तो ये सजा कम पड़ जा रहा। उन्हें भी तड़पना चाहिए, उनकी भी परिवार है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनकी जैसे हम तरस रहे हैं वो भी तरसे। पुलिस वाला बेस्ट है।
सरकारी गाड़ी पुलिस गाड़ी जलाया गया था, उस कारण से वो सरकार वाले लोग इसको सजा दिए। मर्डर के केस में नहीं है ये। हम लोग तो बहुत जगह इंसाफ मांगे लेकिन इंसाफ हम लोग को नहीं मिला। कल हम लोग को जैसा अभी जो रिहाई की इससे पहले केस का रिहाई हो गया, चार आदमी का रिहाई हो गया, और मतलब कल का जो 16 तारीख को जजमेंट मिला है तो ये तो सरकारी की तरफ से इन लोगों को जजमेंट मिला और इन लोगों को मतलब सजा मिला है। हम लोग की तरफ से अभी भी कोई न्याय नहीं मिला हम लोग को। 22 में 22 अरेस्ट हुए थे और 22 में मतलब सब तो रिहा हो गए थे। अभी फिर चार आदमी 4 तारीख का जजमेंट में वो रिहा हो गए और 16 तारीख के जजमेंट में लगभग 12 आदमी मतलब सजा 4 साल करके सजा हुआ है। सिर्फ 2 लाख रुपये हम लोग जो डेड बॉडी उठाए थे सिर्फ 2 लाख रुपये हम लोग को मुआवजा के तौर में मिला है और अभी तक कुछ भी वैसे नहीं मिला है। जैसा लग रहा है मेरा सोहन नहीं गए है, दुनिया से हम ही चले गए। हम तो जीने का ख्वाहिश भी नहीं था।